हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट से पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता देखेंगे। किसी भी क्यूब यानी क्यूबिक यूनिट सेल का हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे यानी संकुलन क्षमता देखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी क्यूब में जितने एटम मौजूद होते हैं उनका वॉल्यूम और पूरे क्यूब का वॉल्यूम को क्या करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और फिर 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज में आपका पैकिंग एफिशिएंसी आता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं उसका पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का और फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का देखेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चन इस टॉपिक से काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे IIT JEE और नीट का एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन देख लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है, यहां लिखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन भिन्नांक हिंदी में कहते हैं। तो कहेंगे कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब यह है कि अगर आपके पास एक, यहां बना देते हैं, अगर आपके पास एक क्यूब है या एक बॉक्स है तो उसमें जितने एटम को आप अरेंज कर सकते हैं उनकी संख्या और फिर पूरे इस बॉक्स उनकी संख्या और उनका वॉल्यूम और फिर पूरे बॉक्स का वॉल्यूम, अगर हम ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट मतलब फ्रैक्शन बना देते हैं तो उस कंडीशन में हम उसको पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, और कितने एटम पैक हो रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। अब पैकिंग फ्रैक्शन जैसे ही आप निकाल लेंगे तो काफी आसानी से आप पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। जैसे अगर आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी से कोई क्वेश्चन आ जाए तो कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल पैकिंग फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। काफी ज्यादा आसान है, आप ऐसे लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। या ये तो हमने अपने हिसाब से अपने माइंड के अनुसार हमने कन्वर्ट करके लिखा है और ये काफी ज्यादा आसान है। आपके किताबों में क्या दिया होगा, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को आपको याद होगा जब हम डेंसिटी निकाल रहे थे तो वहां नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल को हम लोग किससे डिनोट करते थे, जेड से, और वॉल्यूम ऑफ वन एटम का मतलब है कि एक एटम का आपको क्या करना है, वॉल्यूम यानी आयतन निकालना है, अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल हो उसका आपको वॉल्यूम निकालना, और यूनिट सेल क्यूबिक टाइप होता है, हमको क्यूबिक का ही निकालना है तो जनरली एक क्यूब ही होगा, आप जानते हैं पहले से ही। तो ये हमने अपने माइंड के हिसाब से लिखा है जो काफी आसान है, हम लोग इसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आपके बुक में यह दिया होगा कि परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का आयतन बट्टा पूरे क्यूब यानी पूरे घन का आयतन,
ये करके ऐसे दिया होगा। अब काफी आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से आप पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज निकाल सकते हो, क्योंकि यहां आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहां हमने 100 से गुणा कर दिया तभी पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा। अगर आपने 100 से गुणा नहीं किया उस कंडीशन में पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी नहीं निकलेगा, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकलता है, जबकि पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा भिन्नांक यानी भिन्न, जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, उसमें निकलता है। तो अगर फिर से हम बात करें कि पैकिंग अब एफिशिएंसी क्या है, तो जैसे ये एक यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल, इसमें अगर एटम मौजूद है, जितने एटम मौजूद हैं उनकी संख्या और फिर एक एटम का आयतन से गुणा कर देना है और इस पूरे क्यूब यानी पूरे घन के आयतन से भाग करके 100 से गुणा कर दीजिएगा, जितना आएगा, जितना वैल्यू आएगा परसेंटेज में, वही उसका पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं। तो चलिए पहले लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग SCC कहते हैं, इसमें इसका पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं। यहां लिख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। क्लियर? अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहां सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको बना के दिखाते हैं, ताकि आपको भी डायग्राम बनाने में, पिक बनाने में काफी आसानी हो, और ये आदत जैसे ही बन जाएगा तो आपको बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहां होते हैं, केवल कॉर्नर पर होते हैं, और 8 के 8 कॉर्नर पर होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 के 8 एटम कॉर्नर पर ऐसे बना दिया हमने। अब एक बात बताइए, अगर ये क्यूब है ना, तो SCC क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा जी, ए क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का एज लेंथ हम क्या मानते हैं, ए। यहां से यहां तक का एज लेंथ क्या मानते हैं, ए। यहां से यहां तक का एज लेंथ क्या मानते हैं, ए। सब के सब ए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ विथ और फिर क्या, मतलब लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू। तो हमने लिख दिया ए क्यू। अब देखिए SCC, उसके बाद दूसरी बात यह है कि SCC में इज लेंथ और इसके दो एटम के रेडियस का हमने रिलेशन क्या निकाला था, याद होगा आपको, ये अगर दो एटम अगर ऐसे मौजूद है तो ये r और ये r, तो a इज इक्वल टू कितना, 2r। SCC में a इज इक्वल टू कितना, 2r। देयरफॉर हम क्या निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू a बाई टू। काफी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको क्या पता चल गया, a क्यूब और r पता चल गया। हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो क्या करते हैं, पूरे क्यूब का वॉल्यूम और जितने एटम उसमें मौजूद हैं उसका वॉल्यूम। तो अब निकालेंगे क्या कि SCC में एटम की संख्या मतलब नंबर ऑफ एटम इन SCC। तो लिख देते हैं ऐसे ही, नंबर ऑफ एटम इन SCC इज इक्वल टू कितना होता है, 1, क्योंकि कॉर्नर पर होता है, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 इंटू एटम कितने, 8, टोटल एटम कितने आ गए, 1। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखिए अब आपको क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। देयरफॉर कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग
फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम यानी जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वन एटम। अब एक बात बताइए, एटम कैसा है, स्फेरिकल मतलब गोलीय, और गोला का जो आयतन होता है, यहां लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर अगर दिख रहा होगा तो, चाहे यहां लिखते लिख के फिर मिटा देते हैं। गोला यानी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है यह होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, याद रखिएगा 4/3 πr³, किसी भी स्फेरिकल एटम चाहे कोई भी स्फेयर हो, स्फेयर हो, उसका वॉल्यूम इतना ही होता है। तो z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या, क्यूब या यूनिट सेल, जो आपको लिखना है लिख लीजिए, यूनिट सेल। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जेड, जेड कितना है वन, मतलब नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना, 4/3 πr³ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना, a³। क्लियर है? अब देखिए यहां देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे इधर बना लेते हैं, अगर इधर दिख रहा होगा तो जरा देखिएगा, वन से गुणा करिएगा तो इतना ही हो जाएगा, तो 4/3। अब देखिए तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर, आर का वैल्यू कितना, a/2 का कितना, क्यूब अपॉन कितना, ये a³, कितना a³। अब इधर लिखते हैं या इधर लिख लेते हैं, इसके बाद अब देखिएगा, तो इसके बाद वैल्यू क्या होगा, 4/3 तो 4/3 इंटू पाई तो पाई। अब जरा चेक करिए ये कितना हो गया, a³ बाई कितना, 8। और फिर अगर इसको हम लोग गुणा करें, मतलब इसको अगर उलाट दें तो 1 ऊपर चला जाएगा, a³ नीचे चला जाएगा, तो इसी में हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं किससे, a³ से। क्लियर? अब देखिए a³ तो a³ कैंसिल हो गया, अब इधर कितना हो गया, 4 × 2 = 8। अब वैल्यू कितना गया, पाई बाई कितना, 6। तो पाई बाई अगर 6 है तो ये वैल्यू हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14/6। अगर वैल्यू निकालिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, लगभग आएगा 0.524। कितना आएगा, 0.524। देयरफॉर अब आती है बात पैकिंग एफिशिएंसी की, पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू कितना, 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आया है, 0.524 इंटू 100 से अगर गुणा करें तो वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं, अब कितना आ जाएगा, 0.524 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 52.4%। ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी आ गया, और ये काफी ज्यादा, ये जो वैल्यू है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर बोर्ड एग्जाम और नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो जरा यहां देखिएगा, 4/3 πa³/2 है ना, a/2 का होल क्यूब है, तो a³ हमने कर दिया और 2 का क्यूब करिएगा 8 हो जाएगा। इसको अगर पलटिएगा तो नीचे अगर 1 है, नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा a³ के पास, तो ऊपर हमने 1 को नहीं लिखा है, a³ कहां चला जाएगा, इसके नीचे मतलब इसके पास, 3 और 2 के पास, तो 3 इंटू इधर 2 को हमने क्यूब किया तो 8 हो गया है, क्यूब हो गया, क्यूब से a³ से a³ कैंसिल, और 4 से 8 इधर से 2 बार में कैंसिल, और फिर पाई बाई 3 इंटू 2 तो 6,
और पाई का वैल्यू 3.14, 6 तो 6 वैल्यू हमने निकाला, तो ये कितना आता है 0.524। और फिर ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन है, क्या है ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाला पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 और गुणा किया तो आया कितना 52.4%, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए पहले स्टॉप करके, फिर हम अब बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी चेक करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बना दिया है और ये बीसीसी है, क्लियर। इसमें होता क्या है, एटम कहां मौजूद होते हैं, पहले तो 8 के 8 कॉर्नर पर और उसके बाद एक बॉडी के बिल्कुल कहां सेंटर पर, ये सेंटर पर। तो यहां हम एक एटम ऐसे बना दे रहे हैं। हमने जेन्युइनली अगर आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जैसे ही इनका हम लोग एज लेंथ और एटम के बीच एटम के रेडियस के बीच का रिलेशन निकालते हैं, तो यहां अगर एक न्यूक्लियस दे दें तो यहां लगभग कितने आर, 1R, 2R, 3R, 4R यानी 4 त्रिज्या का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, तो जब रैंकिंग ऑफ यूनिट सेल या एटम पर यूनिट सेल हमने बताया था, तो बताया था बीसीसी में एटम कितने होते, 2, कॉर्नर पर कितने 1, और फिर कॉर्नर पर कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, एटम कितने 8 और बॉडी के बीचों बीच कितना होता है 1, तो ये 1+1=2, क्लियर। अब देखिए दूसरी बात ये कि इस क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो पिछली वीडियो में हमने बीसीसी के लिए जो रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन बताया था वो बताया था आपको √3a/4। तो क्या कहेंगे कि बीसीसी r = √3a/4, क्लियर हो गया। अब देखिए अब इसके बाद और हमको किस चीज की जरूरत है इस बीसीसी यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा, यूनिट सेल वॉल्यूम कितना होगा जी, a क्यूब, क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है। अब हमारा यहां तक काम तो हो गया है ना, अब हमको क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो देयरफॉर क्या कहेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन PF लिख देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन = रैंकिंग ऑफ यूनिट सेल यानी रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना, या नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम तो वन एटम अपॉन कितना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और कौन सा है बीसीसी यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम कितने 2, वॉल्यूम ऑफ वन एटम तो अभी हमने बोला कोई भी स्फेरिकल एटम हो चाहे कोई भी स्फेयर हो 4/3πr³, और फिर उसके बाद क्या है वॉल्यूम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल यानी ए क्यूब। तो क्या करेंगे अब जरा चेक करिए, यहां आर का वैल्यू रख लीजिए या ए का वैल्यू है ना, तो आप क्या करिए आर का वैल्यू यहां आप रख लीजिए, तो आर का वैल्यू अगर रखिएगा आप तो 2×4/3 × π और आर का वैल्यू कितना है √3a/4 का कितना होल क्यूब अपॉन कितना होगा जी ए क्यूब, क्या होगा ए क्यूब। अब जरा चेक करते हैं, कैलकुलेशन अगर करेंगे तो यहां देखिएगा आपके पास ये 2 में 8 से 4 से गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा इनटू पाई हो जाएगा। अब देखिए √3 और ये a और ये बटा 4, तो क्या करिए
कि √3 × √3 × √3 कर लीजिए, तीन बार गुणा कर लीजिए, a को क्या करिए a क्यूब बना लीजिए। और अब देखिए ये 4 है ना, तो 4 है तो आप क्या करिए कि × 1/4 का क्यूब, 1/4 का क्यूब करिएगा तो 1/64 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका कितना a क्यूब, तो इसको अगर आप उलटिएगा, इसको उलटिएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, a क्यूब फिर यहां चला जाएगा, तो इसके नीचे हम क्या करते हैं ऐसे × a³ लिख देते हैं। अब देखिएगा फिर से a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, 8 × 8 = 64 है ना। अब देखिए √3 √3 तो कितना होगा, केवल 3, √3 में √3 से गुणा करिएगा 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू कितना √3 अपॉन कितना है 8 बराबर। अब जरा चेक करिए इधर पाई का वैल्यू 3.14, √3 का वैल्यू 1.71 है ना, हाँ 1.71 ही होता है बाई 8। अब जरा चेक करिए गुणा करिएगा आप तो BCCV का जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा ये आएगा लगभग 0.68 हो गया। अब देखिए इसके बाद ये है आपका क्या है, ये क्या है पैकिंग फ्रैक्शन। आपको क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी है ना, तो यहां लिखते हैं कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू हमने कितना निकाला, 0.068 इंटू कितना 100। तो आप क्या करिएगा कितना, जैसे गुणा करिएगा तो कितना होगा 68%। ये आपका BCC में वैल्यू आ गया और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्लियर हो गई बात, तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए और कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट नहीं है, बायोलॉजी के हैं तो कैलकुलेशन आप सीख जाइए यहां से एक बार और, मतलब कैलकुलेशन को रिवाइंड करके एक बार और अगर देखते हैं तो काफी आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए फिर हम FCC की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी FCC में कितनी संकुलन क्षमता होती है, कितने एटम उसमें भरे होते हैं, कितने परसेंट एटम भरे होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक FCC यूनिट सेल बना रखा है और इस FCC एक FCC नहीं कह सकते, क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हैं, और इसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ जितने 6 के 6 फेसेस हैं उनके ऊपर बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं। तो हमने 4 फेसेस बना दिए, एक अब आगे वाला और एक पीछे वाला है ना, ये 6 के 6 फेस हो गए। आपको याद होगा कि जब फेस डायगोनल के हिसाब से हम लोग इस एज लेंथ को ए कह रहे थे, फिर इस एज लेंथ को हम लोग ए कह रहे थे, इस एज लेंथ को भी ए कह रहे थे, और जो एटम यहां मौजूद है, उसके जो एज लेंथ और रेडियस के बीच का जो रिलेशन था उसको पिछली वीडियो में जो हमने निकाला था, तो क्या था, सबसे पहले उसी को हम लोग लिख लेते हैं। इन FCC R इज इक्वल टू a/2 × √2 यही था। अब देखिए यहां से आप चाहे तो a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब एक बात बताइए, FCC में मतलब इन FCC नंबर ऑफ एटम तो होते कितने हैं। सबसे पहली बात, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, टोटल एटम 8, और जितने 6 के 6 फेस हैं उनके हाफ, मतलब कि 6 में का हाफ, क्यों, क्योंकि ऐसे अगर 2-डायमेंशनल है तो आधा इधर की तरफ आधा अंदर की तरफ एटम मौजूद होते हैं, तो 6 इस टाइप के हुए तो आधा आधा कितने हो गए 3, तो यहां 3 टोटल कितने हो गए 1 और 3 + 4 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया 4।
अब हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ एफ सी सी इज इक्वल टू कितना, ए क्यूब। क्या कहेंगे, ए क्यूब। अब देखिए तो ए क्यूब तो हो गया, अब किस चीज की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, अब पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्ट निकालना है। तो देयरफॉर कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एटम तो कितने, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम एटम का, ये एटम स्फेरिकल होते हैं, तो वॉल्यूम कितना, 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, यही होगा। अब देखिए तो जैसे ही इतना लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ टोटल क्यूब, तो क्या कहेंगे, डायरेक्ट लिख लेते ए क्यूब, है ना। अब जरा चेक करिए, इधर 4 इंटू 4/3 इंटू पाई, तो पाई आर का वैल्यू, अभी हमने कितना निकाला, ए बाई 2√2 का क्या क्यूब अपॉन कितना, ए क्यूब हो गया। अब जरा चेक करते हैं, तो यहां चेक करिए, ये 4 में 4 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 16/3 और इंटू कितना, पाई इंटू, अब जरा चेक करिए ये ए क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब, तो आप ए क्यूब इंटू 1/2√2, तो 1/2√2 इंटू 1/2√2 इंटू 1/2√2, तीन बार हमने गुणा कर लिया, ये बचा ए क्यूब। तो इसको उलाटेंगे तो ये कहां चला जाएगा, 3 के पास, तो इंटू ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है वैसे, है ना। अब देखिए तो 2√2 × 2√2 कितना आ जाएगा, 2√2, ए से ए मतलब ए क्यूब से ए क्यूब तो हमने कैंसिल कर दिया है, 1/2√2 × 1/2√2 तो कितना हो जाएगा, रूट टू से रूट टू में गुणा करिएगा, केवल 2 हो जाएगा, और 2 में गुणा करिएगा कितना, 4, 4 में इस 2 से गुणा करिएगा कितना, 8, और फिर जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो कहिएगा 16 इंटू पाई इंटू 1/, ये कितना हो गया वैल्यू, 1/16 इंटू रूट टू, तो रूट टू का वैल्यू जो होता है ये होता है 1.41 और अपॉन कितना है, 3। तो अब देखिए इन दोनों का कैलकुलेशन, मतलब पूरा का कैलकुलेशन करिएगा, आप अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब पाई का वैल्यू 3.14 रख लेना, ये 16 × 3.14 × 1.41/16 और फिर कितना, इंटू 3, ये वैल्यू जैसे ही आप रखिएगा तो ये वैल्यू आएगा 0.74। ये जो होगा 0.74, ये पैकिंग फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो कहेंगे देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता बराबर कितना होगा, 0.74 यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन इंटू कितना, 100, तो कितना आ जाएगा, 74%। ये जो है आपका किसमें, एफ सी सी में आपका जो ये क्यूब है, इस क्यूब में जो एटम है वो 74% भरे हुए हैं, मतलब 74% इस क्यूब में एटम भरे हुए हैं और 26% जो है वो खाली है। तो खाली को हम लोग वॉइड कहते हैं, उसके बारे में अब कैलकुलेशन हम चेक कर लेते हैं कि वॉइड कितना होता है बीसीसी में, एफसीसी में और एससीसी में। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा है तो आप अपने घर पे आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग वॉइड देखते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग वॉइड देखते हैं। वॉइड का मतलब होता है खाली स्थान। जैसे आपको एक, हमने एक बड़ा सा डब्बा दिया और कुछ बॉल दिया,
उसमें आपने क्या किया, बॉल्स को रखने की कोशिश की, पूरा का पूरा आपने बॉल को भर दिया, मतलब बॉल से बॉक्स को भर दिया, तो भी आप देखेंगे कि उसमें कुछ जगह खाली स्थान रह गए हैं, मतलब कुछ जगह जो है वो खाली रह गए हैं। यहाँ चेक करिए, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह। तो इन जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, इनको हम लोग वॉइड कहते हैं और हिंदी में रिक्त स्थान या शून्य कहते हैं। अब जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, एससीसी का अलग, एफसीसी का अलग, बीसीसी का अलग, तो अब हम निकालेंगे वॉइड। क्या निकालेंगे? वॉइड। तो वॉइड निकालेंगे तो किसके लिए? सबसे पहला एससीसी का। किसका? एससीसी का। तो वॉइड निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 में से, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी का जो परसेंटेज है उसको 100 में से घटा देते हैं। तो 100 माइनस एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना था? 52.4%। तो वैल्यू कितना जाएगा? 47.6%। ये वॉइड है। ये क्या है? वॉइड है। दूसरा बीसीसी में, किसमें? बीसीसी में क्या करेंगे, 100 माइनस कितना? 68, यानी कि 32%। मतलब ये है कि अगर ये बीसीसी यूनिट सेल है, अगर ये बीसीसी यूनिट सेल है, तो इस कंडीशन में इसमें जो एटम भरे हुए हैं उसका 32% भाग जो है वो खाली है, और 68% जो भाग है ये क्या है? भरा हुआ है। क्लियर हो गई बात? उसी तरीके से एससीसी में 52.4% भाग जो है वो भरा हुआ है बॉल से, लेकिन 47.6% भाग खाली है। वहीं अगर हम तीसरी बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी में जरा चेक करिएगा, क्या कहिएगा? 100 माइनस 74%। तो 74% अगर हम कहें तो क्या कहेंगे? कहेंगे 26%। मतलब कि एफसीसी में वॉइड जो होगा कितना? 26%। मतलब यह है कि एफसीसी यूनिट सेल अगर होगा तो उसमें बॉल जो भरे होंगे वो 74% उस जगह को बॉल भर चुके होंगे, और केवल 26% यानी 26% खाली हिस्सा यानी रिक्त स्थान रह गया होगा। तो ये वॉइड हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और ये जो तीन पॉइंट है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, पैकिंग एफिशिएंसी तो पूछता ही पूछता है। तो अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी ऑब्जेक्टिव की प्रॉब्लम और पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।